हाय एवरीवन, हेलो। आई होप आप सभी को मुझे मेरी आवाज आ रही होगी ठीक से। ओके, सो कैसे हो आप सब? आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे कंपनीज एक्ट का। अभी तक मैंने 2 लेक्चर्स अराउंड दिया है, हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। ये है हमारा 3rd लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, लेट अस जस्ट गो थ्रू इट कि हमने क्या क्या किया है। तो हमने बेसिक्स पढ़े थे, राइट? हमने बेसिक्स पढ़े हैं। फिर हमने कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हमने कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी स्टार्ट किया था। और मैंने आप लोगों को केस स्टडीज पढ़ाए थे, अराउंड 4 केस स्टडीज मैंने आपको पढ़ा दिए। एक सोलोमन वाला, एक दिनशॉ मानिक जी वाला केस स्टडी पढ़ाया था आपको, एक था आपका ये डैमलर कंपनी लिमिटेड और एक था आपका गिलफर्ड मोटर कंपनी, राइट? तीनों केस स्टडीज हमने पढ़ लिया, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हमने कर ली। आज जो है आगे के और 2 केस स्टडीज है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो केस स्टडीज है वो हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप कॉर्पोरेट व्हील हटा सकते हो, ठीक है, टू गेट होल्ड ऑफ द एक्चुअल कल्प्रिट, राइट? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जो है, इसके पीछे जो छुप रहा है, उसको आप कैसे पकड़ सकते हो कॉर्पोरेट व्हील को हटा के। तो इसका केसेस हम कर रहे थे, isn't it? So let's move ahead with a new topic for today, new case for today, जो है हमारा, लिखिए प्लीज, केस नंबर 5। ओके, केस नंबर 5 क्या है बच्चा? केस नंबर 5 है हमारा ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिलेटेड। लेट मी जस्ट राइट Where is the case? British Transport Commission, ये रहा। Merchandise Transport Limited and British Transport Commission. तो क्या लिखोगे आप? Merchandise Transport Limited versus British ट्रांसपोर्ट कमीशन। ठीक है ना, ये आपका केस है। जल्दी से समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, लेकिन समझना जरूर कि क्या हुआ था इस केस में। तो देखो इस केस में क्या हुआ था। आपकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, एक कंपनी था, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कमिटी कंपनी, ठीक है। ये कंपनी को क्या चाहिए था? इस कंपनी को लाइसेंस चाहिए था फॉर बड़े बड़े ह्यूज ट्रक्स होते हैं जो, उनके लिए इसको लाइसेंस चाहिए थी, ठीक है, ताकि ये लाइसेंस इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसने क्या किया, ये एक तरीके से आपका गुड्स को यहां से वहां लेके जाता था, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। तो इसको लाइसेंस चाहिए थी, तो इसने अप्लाई किया। कहां पे अप्लाई किया इसने? इसने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में अप्लाई किया। सॉरी माय आईज आर हर्टिंग अ बिट टुडे। सो इसने कहां अप्लाई किया? इसने अप्लाई किया ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में, इसने अप्लाई कर दिया। ओके, अब हुआ क्या, ये लोग ने सारे पेपर वर्क वगैरह देखे और देखने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई ना? तो लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई किया था और लाइसेंस को अप्लाई जो किया था एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ये बहुत स्मार्ट था, ये जो मर्चेंडाइज कंपनी थी, ये बड़ी ही स्मार्ट कंपनी थी। इसने क्या किया, ही फॉर्म्ड अ सब्सिडियरी, इसने एक सब्सिडियरी फॉर्म की, ठीक है ना। उस सब्सिडियरी का नाम क्या था? ट्रांसपोर्ट सिडनी ट्रेन्स, ठीक है ना। और फिर इसने क्या किया, इस कंपनी के थ्रू इसने अप्लाई किया फॉर अ फ्रेश लाइसेंस।
इसके थ्रू, सब्सिडियरी के थ्रू इसने फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रही है? फ्रेश लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई किया। अब हुआ क्या, हिसाब से तो ये नई कंपनी है, नई कंपनी के नए डॉक्यूमेंट्स देखेगा और कंपनी को दे देगा लाइसेंस। लेकिन ये ब्रिटिश कंपनी ने ना क्या किया, इसने जब सारे पेपर वर्क देखे, सारे पेपर वर्क देखने के बाद इसको पता पड़ा कि ये एक सब्सिडरी है, किसका, इसी का, मर्चेंडाइज का सब्सिडरी है, मतलब होल्डिंग कंपनी ये हुई, होल्डिंग कंपनी ये हुई। होल्डिंग का मतलब क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जहां पे आपका मोर देन 50% शेयर, 60% शेयर अराउंड आपके दूसरी कंपनी होल्ड करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में ऑलमोस्ट सारे शेयर्स कौन होल्ड कर रहा था, ये मर्चेंडाइज होल्ड कर रहा था, तो मर्चेंडाइज हो गई होल्डिंग कंपनी जिसका कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर। तो जब ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने देखा, अरे भाई साहब ये तो एक होल्डिंग कंपनी है और ये तो एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो ये तो इसी कंपनी का हिस्सा है, तो ये तो गलत बात हो गई, हम इसको फ्रेश लाइसेंस नहीं दे सकते, तो इसने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये केस गया कोर्ट में और कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिडनी ट्रेन्स ने कहा कि हमारा तो एक अलग आइडेंटिटी है, हमें हमारे होल्डिंग कंपनी से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, वी हैव अ अलग आइडेंटिटी, वी हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी एज पर द कंपनीज लॉ। तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी को लिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी इस कंपनी का बनाने का मकसद क्या था, इस कंपनी को किसने बनाया है। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी को लाइसेंस के लिए रिजेक्ट किया गया है तो हम आपको भी रिजेक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे आप क्या लिखोगे, लिखो व्हाट वाज द डिसीजन, डिसीजन क्या था, दैट अ क्रिएशन ऑफ अ कंपनी, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी for a license which was declined to the holding company is void in law। ये लॉ के अगेंस्ट वॉइड है। सो कॉर्पोरेट, अब क्या करेंगे, सर्कमस्टेंस कौन सा है, कौन से सर्कमस्टेंस में हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे, कॉर्पोरेट व्हील ऑफ सब्सिडरी कंपनी कंपनी हैज टू बी लिफ्टेड। लिफ्ट क्यों करेंगे, बिकॉज हैज टू बी लिफ्टेड टू आइडेंटिफाई इफ द लाइसेंस वॉज अलाउड। सॉरी फॉर द नॉइस दैट्स गोइंग ऑन, ओके, आई एम वेरी सॉरी, आई होप इट्स नॉट डिस्टर्बिंग द क्लास। So license was allowed to holding company or not, समझ में आ गया ना? तो ये आपका circumstances था जहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं देने वाले हैं कोई भी license, corporate wheel theory को हम क्या करेंगे, हम lift करेंगे। क्लियर? Let's move ahead with the next last case study for the corporate wheel theory। ये आपके theory का last case है और बहुत ही interesting है, तो प्लीज लिखिए वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है? तो अब यहां क्या हुआ था उसको समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा लॉ समझाएंगे, मैं आपको एक छोटा सा लॉ समझाऊंगी, प्लीज यहां देखो।
तो हुआ क्या था, आपको पता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, डू यू ऑल नो दिस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर आई एम सेइंग, ओके, टू वट एवर आई एम सेइंग प्लीज पे अटेंशन. नाउ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी में, अगर कोई भी कंपनी में अगर मोर देन 20 इंप्लॉइज है, मोर देन इक्वल्स टू 20 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, समझ में आया, कोई भी कंपनी में अगर मोर देन इक्वल्स टू 20 कंपनीज काम कर रहे हैं, तो कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली बोनस आपको देना पड़ेगा. बोनस हैज टू बी पेड अप टू 1 month, एटलीस्ट एक महीना का पैसा जो होता है अपटू 1 month का सैलरी. मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक रूल था, इतना समझ में आया ना. तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें क्या कहते थे कि अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसमें 20 से ज्यादा इंप्लॉइज अगर काम करेंगे, तो कंपल्सरीली बोनस आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट एक महीने का सैलरी तक आपको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है ना. तब हुआ क्या, सुनो यहां पे ध्यान से. तो अब क्या हुआ, एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था, एसोसिएटेड रबर कंपनी. क्या नाम था, द रबर कंपनी नाम था, ठीक है, द रबर कंपनी था, ठीक है. इसके अंडर बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते थे, ठीक है ना. तो अब क्या हुआ, इसका काम बढ़ता चला गया, और इसको किस चीज की जरूरत पड़ी, इसको और इंप्लॉइज रखने की जरूरत पड़ी. लेकिन एज पर द बोनस एक्ट, अगर आप 19 से ज्यादा इंप्लॉइज रखोगे तो होगा क्या, तो आपको बोनस देना पड़ेगा ना. तो इसने क्या किया, ये स्मार्टली इसने एक सब्सिडरी ओपन करी, ओपन्ड अ सब्सिडरी. उसका नाम क्या था, स्टर्न रबर कंपनी. क्या नाम था, स्टर्न रबर कंपनी. अब ये क्या करने लगा, मेरी बात सुनना, अब इस कंपनी के नाम से ना इसने इंप्लॉइज रखी, इसने बहुत सारे इंप्लॉइज रखे. अब हुआ क्या, मेरी बात सुनना, ये सारे इंप्लॉइज जो इस कंपनी के नाम से थे, ये काम किसके लिए कर रहे थे, ये काम तो इस कंपनी के लिए ही कर रहे थे, लेकिन रखा किस फर्म के नेम से था, रखा गया था सब्सिडरी के नाम से. मेरी बात समझ में आ गई. तो रबर कंपनी का बहुत सारा काम आने लगा था, तो उसको बहुत सारे लेबर्स चाहिए थे. तो जब बहुत सारे लेबर चाहिए थे, 19 से ज्यादा वो रख नहीं सकता था, तो उसने एक सब्सिडरी खोली, स्टर्न रबर कंपनी, और इसके नेम से इसने इंप्लॉइज को हायर किया. इसके इंप्लॉयज, इस कंपनी के इंप्लॉयज काम करते थे इस कंपनी के लिए. तो जब लॉ को पता चला कि अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो ये जो वर्कमैन है इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन, इनका जो एसोसिएशन है, इन्होंने केस फाइल करा. केस फाइल करने के बाद लॉ ने कहा कि यहाँ पे हम सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप किसी और एक्ट से बचने के लिए तो ये सब्सिडरी आपने ओपन नहीं किया है, आपने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से बचने के लिए आपने ये कंपनी का कंपनी फॉर्मेशन किया है, तो ये चीज जो आपने करी है वो गलत है, और इसीलिए आपको बोनस देना पड़ेगा. क्लियर हुई है बात, समझ में आई? तो यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ था प्लीज लिखना. कंपनी क्रिएटेड, डिसीजन में लिखो, कंपनी क्रिएटेड टू अवॉइड लॉ या एक्ट, सम अदर एक्ट इज वॉइड. तो यहां पे क्या होगा, सर्कमस्टेंस कौन सा होगा, जहां पे कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी हम लिफ्ट करेंगे, तो सर्कमस्टेंस क्या होगा, द कॉर्पोरेट व्हील विल बी
will be lifted to identify if the company is created to avoid the legal obligation under any act. कोई भी एक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए क्या आपने ये एक कंपनी खोली है? अगर हाँ तो ये अलाउ नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाएगा और कल्प्रिट को पनिश किया जाएगा और आपको ये ऑब्लिगेशन को भी पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया? ये 5 केसेस जो मैंने आपको बताए हैं, इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन आते हैं और आपको केस स्टडी का रेफरेंस देना पड़ेगा। पूरा केस आपको समझाना नहीं है लेकिन रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको इतनी डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि अगर सपोज ऐसा कोई केस आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से केस स्टडी का रेफरेंस देना है, राइट? कि इस केस स्टडी का रेफरेंस देना है या फिर पहले वाले का देना है। तो इसीलिए केसेस को समझोगे उसके अकॉर्डिंग ही आप केस स्टडी का रेफरेंस दे पाओगे। यहां तक आपको समझ में आया? तो कॉर्पोरेट विल जो था बेसिकली वो इतना था, इतना एकदम कंप्लीटली आपको समझ में आ चुका है। लेट्स मूव फर्दर। अब आगे मूव करते हैं, आपके आगे मूव करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है आगे। क्या है वो इजी टॉपिक, प्लीज देखना। टाइप्स ऑफ कंपनी, क्या है वो? टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है ना? ये आपको आगे अब पढ़ना है। बहुत सारे टाइप्स की कंपनीज है, बहुत सारा इसका सेक्शंस है। सेक्शंस कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और कैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज को बाइफरकेट करना है वो भी हम करेंगे, ठीक है? तो क्या मूव करें, जल्दी से देखते हैं कैसे कैसे टाइप्स की कंपनीज है हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे पास नोट्स है, लेट्स मूव विद द नोट्स नाउ। तो यहां देखो, यहां देखो, ये जो आपका आपके सामने जो आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज दिख रहा है, ये आप अपने पेज में हॉरिजॉन्टली लैंडस्केप मोड में उतार सकते हो, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कंपनीज को याद करने के लिए इसको मैंने बाइफरकेट किया है, मतलब एज पर लॉ बाइफरकेटेड है। देखो, एज पर वर्क, आई होप आप सभी को दिख रहा है, एज पर वर्क यहां दिख रहा है ना? तो देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज है, इसको जल्दी जल्दी समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप्स की कंपनीज है और किस हिसाब से इसको हम बाइफरकेट करेंगे। तो ये वाला जो मैंने अभी आपको नोट्स दिया है वो तो अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, मैं नोट्स अवेलेबल करवा देती हूँ, तो ये अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको अच्छे से नीटली नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ, लेकिन इन द लैंडस्केप फॉर्म। प्लीज देखो यहाँ पे, एज पर वर्क, वर्क के अकॉर्डिंग 3 टाइप की कंपनीज होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है डोरमेंट, एक होती है आपकी सिक। एक ऐसे टाइप की कंपनीज है, मैं बताऊंगी डिटेल में करेंगे, लेकिन शॉर्ट में एक बार समझते हैं। एक्टिव कंपनी क्या हो गई, जो काम कर रही है, डे टू डे ऑपरेशंस एकदम बराबर से कर रही है, नो इश्यूज एट ऑल। डोरमेंट कंपनीज क्या हो गई, जो आपकी ओपन जो है, डोरमेंट ओपन खुली हुई कंपनीज है, लेकिन इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं होती, मतलब कि नो एक्टिविटीज एट ऑल, कोई एक्टिविटीज पर्टिकुलरली इसमें हो नहीं रही है। सिख कंपनी क्या हो गया, एक तरीके से बंद थप पड़ी कंपनी, नो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जो प्रॉफिट नहीं मेक करती है और एकदम थप हालत में है। तो डिटेल में करेंगे, पहले इतना सिर्फ समझ लो आप। फिर एज पर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये कंपनी क्यों खोली गई है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया रीजन फॉर ओपनिंग दिस कंपनी। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे बैंकिंग कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंसिस प्रोवाइड करना, तो बैंकिंग कंपनी हो गई। इंश्योरेंस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, प्लीज आई होप यू ऑल कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस, ओके? सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस एंड हियर, डू नॉट लिसन टू द बैकग्राउंड म्यूजिक दैट्स गोइंग ऑन बिकॉज देयर इज सम रेनोवेशन गोइंग ऑन टुडे एट माई हाउस। सो प्लीज सी, बैंकिंग आपको समझ में आया कि बैंकिंग आपके किसके लिए है, देन यू हैव इंश्योरेंस, जो आपका इंश्योरेंस से डील करता है, एंड देन यू हैव इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो वगैरह। फिर आता है आपका सेक्शन 8, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है और इस बार मुझे लगता है ओपीसी आएगा, बट वी विल सी। सेक्शन 8 लास्ट टाइम आया था,
दिसंबर की एग्जाम में. देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड देन यू हैव प्रोड्यूसर कंपनीज. प्रोड्यूसर कंपनीज भी होता है, जो प्रोड्यूसर कंपनीज होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कोई किसी और को बिल्डअप करने में हेल्प करता है. तो कई तरीके की कंपनीज होते हैं. तो ये हो गया आपका एज पर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कितने भी तरीके के होते हैं, खाली इतने ही होते, और भी अनगिनत ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे, वैसे वैसे कंपनी का मोटो चेंज होता रहेगा और कंपनी फॉर्मेशन होती रहेगी. तो ऑब्जेक्ट्स तो अनगिनत है, तो सारे तो नहीं लिख सकते, कुछ कुछ लिखा है मैंने, ठीक है. उसमें से सेक्शन 8 हम पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ एज पर ओनरशिप. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ओनरशिप के अकॉर्डिंग. तो गवर्नमेंट ओनरशिप होता है ना, कि गवर्नमेंट का है, हमारी इंडिया का है, गवर्नमेंट ओन करती है. दूसरा हो गया फॉरेन कंपनीज, जो फॉरेन की है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो फॉरेन होल्ड करता है, फॉरेन में उसकी ज्यादा शेयर्स हेल्ड किए गए हैं, लेकिन इंडिया में उसका एक सब्सिडियरी खुला हुआ है, तो वो हो गया आपका एक फॉरेन कंपनी, राइट. तो एज पर ओनरशिप ये दोनों टाइप की कंपनीज है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में विद नोट्स, डोंट वरी. देन यू हैव एज पर इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये कंपनी बनाई कैसे गई है, कैसे इनकॉर्पोरेट की गई है. नंबर वन एज पर चार्टर, देन हो गया आपका स्टैट्यूटरी, एंड देन हो गया आपका रजिस्टर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एज पर चार्टर. चार्टर का मतलब हो गया कोई स्पेशल एक्ट के अंदर ये बनता है, स्पेशल एक्ट के अंदर ये बनता है. स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया कि कोई लॉ, लॉ के अंडर ये बनता है. लॉ इसको बोलते कि बनाना पड़ेगा, कंपल्सरी होता है, कंपल्सरीली अंडर लॉ बनता है, ये कंपल्सरी होता है, ठीक है ना. और रजिस्टर क्या हो गया, ये तो आपका रजिस्टर्ड स्टेटस हो गया एक तरीके से. अगर कोई भी कंपनी को आप रजिस्टर करवा लेते हो तो वो रजिस्टर्ड हो गया नॉर्मल, मतलब बिना इन दोनों के अलावा जो बाकी की कंपनीज होती है वो हो गया आपका रजिस्टर्ड कंपनीज. फिर एज पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमने पढ़ी थी, रिमेंबर. लाइबिलिटी एज पर शेयर, लाइबिलिटी एज पर गारंटी, मैंने लास्ट क्लास थोड़े नोट्स भी दिए थे इसके बारे में. तो एज पर लाइबिलिटी आपके दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका लिमिटेड और एक हो गया आपका अनलिमिटेड. लिमिटेड में आपका दो टाइप का आता है, क्या क्या, शेयर और गारंटी. क्या आता है, शेयर और गारंटी आता है, राइट. ये दोनों टाइप के आते हैं. फिर अनलिमिटेड हो गया जहां पे कोई भी लिमिट नहीं होता आपके लाइबिलिटी के ऊपर. सारे के नोट्स लिखवाऊंगी अच्छे से, डू नॉट वरी एट ऑल, हर एक चीज डिटेल में करेंगे, लेकिन ओवरव्यू तो भाई आपको समझना पड़ेगा ना, तो ओवरव्यू समझते हैं एक बार. एज पर मेंबर, मेंबर, मेंबर कौन कौन हो सकता है. पब्लिक कंपनीज में मेंबर कौन होता है, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर्स, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर्स. तो एज पर मेंबर्स का मतलब पब्लिक कंपनी में ज्यादातर शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. प्राइवेट में ज्यादातर शेयर किसका होता है, आपके प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट लोगों के होते हैं, खुद के होते हैं. ओपीसी का मतलब हो गया वन पर्सन कंपनी. क्या हो गया, वन पर्सन कंपनी, जहां पे एक ही इंसान आपका मेंबर होता है, एक ही इंसान डायरेक्टर होता है, एक ही इंसान उसको अकेला खड़ा करता है. ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, ये डिफरेंट है फ्रॉम योर सोल प्रोप्राइटर. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर सोल प्रोप्राइटर. क्यों बताएंगे अच्छे से. नाउ एज पर योर कंट्रोल, ये कंट्रोल है, आई नो इट इज नॉट विजिबल, प्लीज राइट इफ यू आर राइटिंग. कंट्रोल के अकॉर्डिंग कौन कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, इससे भी हमेशा क्वेश्चन आता है. एसोसिएट कंपनी, लिखो एसोसिएट कंपनी. एंड देन यू हैव सिस्टर कंसर्न, एंड देन यू हैव सिस्टर कंसर्न. समझ में आया, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न, ये चारों हम डिटेल में करने वाले हैं. तो क्या एक तरीके से आपको ओवरव्यू मिल गया कि अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज है, जिसको बहुत अच्छे से सुंदर से नोट्स बना बना के हम करने वाले हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है. लेट्स मूव अहेड नाउ. जो सबसे पहला टॉपिक आपके बुक में है वो है आपका कंपनी लिमिटेड, कंपनीज बाय लिमिटेड, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग. कंपनी एज पर लाइबिलिटी, क्या है, कंपनी एज पर लाइबिलिटी. तो इसके अकॉर्डिंग जो है अभी हम करने वाले हैं. क्लियर, समझ में आया. चलो लेट्स मूव ऑन नाउ. नाउ कंपनी लिमिटेड एज पर लाइबिलिटी में ना दो चीजें होती है, एक होता है आपका लिमिटेड और एक होता है आपका अनलिमिटेड. ये हमने पढ़ लिया है, राइट. तो लिमिटेड में दो चीजें होती है, एज पर शेयर, एज पर गारंटी, और कभी कभी ना कॉम्बिनेशन भी आता है, कॉम्बो भी आता है, दोनों का कॉम्बो मील के तरह, ठीक है ना. तो जल्दी से समझते हैं क्या क्या है. तो ये वाला चीज आप नोट कर लीजिए प्लीज साइड में, सबसे पहले कि कंपनी एज पर लाइबिलिटी में दो चीजें होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड, और लिमिटेड के अंदर होती है आपकी शेयर, गारंटी और कॉम्बो. नोट कर लिया. लेट्स मूव फर्दर.
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये है आपका सेक्शन 222। सेक्शन कैसे याद करना है मैं बताऊंगी, जब हमारा सारा कंपनीज खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर हम कैसे सेक्शन को याद करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपको आता है, मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास मैंने सेम चीज समझाया था, वही सेम चीज यहाँ है, थोड़ा सा एक आधा पॉइंट यहाँ वहां है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अ कंपनी इन विच शेयर होल्डर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट थ्रू शेयर, मतलब कि शेयर्स में इन्वेस्ट करके उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना, राइट, शेयर ही तो दिया ना, शेयर को इश्यू किया, शेयर खरीदा और पैसे दिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, थ्रू शेयर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट, टू द एक्सटेंट ऑफ, लिखो टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट, और लाइबिलिटी आपकी कहां तक लिमिटेड है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट। समझ में आया, क्लियर? तो जो अनपेड अमाउंट है, लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि अनपेड अमाउंट का मतलब क्या होता है, अगर रुपीज 10 का नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 है, उसमें से आपने 5 रुपए दे दिए हैं, तो बाकी के 5 ही आप मांग सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मतलब टोटल में फेस वैल्यू का अमाउंट आप ले सकते हो कोई भी मेंबर से, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो जितना 10 रुपीज में जितना आपने अनपे किया है, अभी तक पे नहीं किया है, सिर्फ उतना ही आपको देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विल नॉट बी लायबल, जो पर्सनल एसेट्स है वो लायबल नहीं होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो आपके शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझ में आ गया, ये हमने लास्ट क्लास किया ही था, तो मैं इतने डिटेल में नहीं समझा रही, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर विद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये भी हमने किया था अंडर सेक्शन 221। गारंटी का मतलब क्या होता है कि आप शेयर को खरीद रहे हो वो अलग बात है, लेकिन शेयर के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा आपने ये कहा कि टेंशन मत लो, अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा अप टू सर्टन अमाउंट। आप कंपनी में मेंबर बनने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि कितना एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन आप देने वाले हो, और वही कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे मांगा जा सकता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप पहले से ही डिसाइड कर देते हो। ठीक है ना, तो कंपनी वेयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय द मेंबर्स, मतलब आपने जो प्रॉमिस किया था सिर्फ उतना तक ही आपका लिमिटेड है, उससे ज्यादा आपसे नहीं मांग सकती। इतना बात समझ में आ गया, लेकिन इसमें क्या बात है, सच अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब क्या कि कंपनी चल रही है, ठीक है ना, कंपनी चल रही है, सपोज 2000 में एक ए था, ए मेंबर बना था, 2000 में ए था, ए मेंबर बना था, ए ने कहा, प्रॉमिस किया कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगा गारंटी के हिसाब से, मैं गारंटी के हिसाब से 1 लाख और दे दूंगा, 1 लाख और दे दूंगा। तो क्या कंपनी 2000 में, मतलब ये ईयर है, कभी भी मांग सकती है क्या पैसा 1 लाख? नहीं, जब कंपनी लिक्विडेट करेगी, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, जब कंपनी बंद होने वाली होगी, बंद हो रही होगी, इनफैक्ट जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तभी आप इस मेंबर से 1 लाख रुपए मांग सकते हो, उसके पहले आप नहीं मांग सकते। समझ में आया ना, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कब दिया जाएगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसके पहले नहीं। समझ में आया, उसके पहले नहीं। तो क्या लिखोगे और आगे क्या लिखना है, ओनली लायबल अप टू द अमाउंट प्रॉमिस्ड, पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल, और पर्सनल एसेट्स आपका लायबल नहीं है। समझ में आया एकदम, लेट्स मूव फर्दर, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, गारंटी के नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऑफ कोर्स आपको पता है, अगर आपका शेयर है, आप मेरे को देना चाहते हो, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन क्या आप गारंटी को ट्रांसफर कर सकते हो? क्या नहीं, आप गारंटी को बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर, एकदम समझ में आया, चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये जो जस्ट अभी आपको मैंने समझाया है कि शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड, गारंटी कैन नॉट बी, इस पे एक केस स्टडी था। वो केस स्टडी क्या है, देखो यहाँ पे, उस केस स्टडी का नाम है, केस लॉ है, ये रेफरेंस देना पड़ेगा अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो क्या है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, ये केस का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। इसमें हुआ क्या था, दिस मैन ट्राइड टू ट्रांसफर हिज गारंटी,
ये गारंटी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, सेल करने की कोशिश कर रहे थे, जो पॉसिबल नहीं है. इन केस ऑफ शेयर कंपनी, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे हेल्ड क्या हुआ था, कोर्ट का डिसीजन क्या था, ये था, इन केस ऑफ अ शेयर कंपनी शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड और सोल्ड इजिली, ठीक है ना, बट इन गारंटी, लेकिन गारंटी के टाइम पे कंपनी इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसफर और शेयर द गारंटी. आप गारंटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. अगर सपोज मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं ये प्रॉमिस किसी और से नहीं करवा सकती, मुझे ही देना पड़ेगा पैसा. आप शेयर किसी और को दे दो वो अलग बात है, लेकिन गारंटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को भी. दस गारंटी कंपनी हैव डिफरेंट राइट्स एंड प्रिविलेजेस. तो गारंटी कंपनी का अपना अलग अलग राइट्स होता है, अपना अलग अलग प्रिविलेज होता है, जो आपके इस शेयर के राइट से अलग होता है. क्लियर, समझ में आ गया. यहां तक आई होप आप लोगों को किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है. लेट्स मूव फर्दर. अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्लीज यहां ध्यान से सुनिए. Members are liable to the amount whichever is lower. Unlimited का मतलब हो गया कोई लिमिट ना होना. तो आपके जो members हैं, इनके साथ दो तीन बातें हो सकती है. तो वो दो तीन बातें समझते हैं. प्लीज यहां देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखते इसको एग्जाम्पल से समझा रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है यहाँ पे. अब हो रहा क्या है, क्लियरली सुनो. एक कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है ना, ठीक है. इसका जो लाइबिलिटी स्टैंड करता है, कितना लाइबिलिटी स्टैंड करता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या जो भी, कितना स्टैंड करता है, अराउंड 20 लाख आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है ना. एसेट से कितना रियलाइज हुआ, अराउंड 9 लाख रियलाइज हो गया. तो कितने बचे 11 लाख आपके बच जाते हैं. ये 11 लाख कौन देगा, मेंबर्स देगा, ठीक है ना. सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनो. अब ये जो 11 लाख है, अगर ये लिमिटेड बाय शेयर होता तो अनपेड अमाउंट जितना है उतना आप मंगवा सकते थे, राइट. उतना मंगवा के आप कर सकते थे पेमेंट, और जो बच गया उसका कुछ नहीं कर सकते. अगर आपका गारंटी है तो जितने भी जनों ने प्रॉमिस किया था, जो भी जनों ने प्रॉमिस किया था उनसे पैसा मांग के उतना ही अमाउंट का आप पेमेंट कर सकते थे. अब आया अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या फर्क करते हैं, प्लीज यहां ध्यान से सुनना. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, कोई भी लिमिट नहीं होता, देयर इज नो लिमिट. अब ये 11 लाख, अब यहाँ पे दो बातें होंगी. सपोज ये एबीसी कंपनी है, इसमें तीन मेंबर्स है, ए बी एंड सी. कितने मेंबर्स है, ए बी एंड सी, तीन मेंबर्स है, ठीक है, तीन मेंबर्स है. तो ये तीन मेंबर्स के हिस्से क्या क्या आया, प्लीज ध्यान से सुनो. तीन मेंबर्स है और पेमेंट कितना करना है, 11 लाख पेमेंट करना है, ठीक है ना. तो ए से पैसा मांगा जाएगा, बी से पैसा मांगा जाएगा, सी से पैसा मांगा जाएगा. अकॉर्डिंग टू द लॉ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो सबसे इक्वली पैसा मांगा गया. तो कितना मांगा जाएगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल 4 लाख, इससे 4 लाख मांगा गया, इससे 4 लाख मांगा गया, इससे 3 लाख मांगा गया. इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, पैसा मांगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए के पास, ए को 4 लाख तो देने ही पड़ेंगे. अब ए के पास जो पर्सनल एसेट है, सुनना, ए के पास पर्सनल एसेट है ऑफ अराउंड 5 लाख. तो ए 5 लाख में से अब उसको कितना देना पड़ेगा, उसको 4 लाख देना पड़ेगा और उसके पास बच जाएंगे 1 लाख. तो बात खत्म. तो ये 4 लाख उसको पे करना पड़ेगा पर्सनल एसेट से निकाल के. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये एक डिसएडवांटेज है. बी के पास है सपोज फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एसेट कितने हैं, 3 लाख. तो बी को कितने देने पड़ेंगे, 3 लाख देने पड़ेंगे और बात खत्म, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, अब मर जाए क्या, तो उसको उतने पूरे पे करने पड़ेंगे. सी के पास कितने हैं, सी के पास है फॉर एग्जाम्पल 6 लाख. सी से मांगे कितने गए थे, 3, लेकिन सी को बाकी के देने पड़ेंगे. कितने बच गए, 4 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, बचा कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 लाख और बच गए. तो सी से अब 4 लाख और मांगा गया और सी को 4 लाख और पे करना पड़ेगा अपने पर्सनल एसेट से. मेरी बात यहां समझ में आ गई. तो आपने देखा कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है,
अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपकी लाइबिलिटी बनती है लोअर ऑफ मतलब जो भी कम है, जितना पैसा 11 लाख की लाइबिलिटी बनती है, या तो जितना में आपका पर्सनल एसेट्स पूरा का पूरा खत्म हो जाए उतना। मतलब अगर सपोज तीनों के पास मिला के 10 लाख होता तो 10 लाख तक लाइबिलिटी रहती, क्योंकि तीनों के पास 10 लाख ही है और तो ज्यादा है नहीं ना, 10 लाख के अलावा तो और ज्यादा है ही नहीं, तो वो बेचारा देगा कहां से। तो जितना आपकी लाइबिलिटी पूरी की पूरी पे ऑफ होती है उतनी, या फिर जब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं होते हो तब तक लाइबिलिटी रहेगी। मतलब ये कहेगा कि 4 लाख तुमने मुझसे मांग तो लिया, मेरे पास है ही 3 लाख की प्रॉपर्टी, तो 3 लाख पूरा का पूरा ले लो, मेरे को कंगाल कर दो, और तो कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए। तो जब तक की कंपनी का लाइबिलिटी पूरा नहीं होता था, और या तो जब तक आप खुद कंगाल नहीं हो जाते, तब तक की आपकी लाइबिलिटी बनी रहती है। मेरी बात समझ आ गई, दोनों में से एक चीज होता है। तो देखो इसी को अगर मैं नोट्स में लिखूं तो क्या लिखूंगी, मेंबर्स आर लायबल टू द अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो भी आपका कम है, जैसे कि टिल द मेंबर्स गेट इंसॉल्वेंट, जब तक कंगाल नहीं हो जाते तब तक पेमेंट करते रहो, और या तो जब तक कंपनी का लाइबिलिटी कंप्लीटली पेड ऑफ नहीं हो जाता तब तक पे करते रहो। दोनों में से जो पहले हो जाएगा वहां तक आपकी लाइबिलिटी है। समझ में आई ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है, मेंबर्स आर लायबल टू द अमाउंट विच एवर इज लोअर टिल द मेंबर्स गेट इंसॉल्वेंट, या फिर जब तक कंपनी का पूरा का पूरा लाइबिलिटी आपका पेड ऑफ नहीं हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंबर्स आर कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन अनलिमिटेड वाला जो है ये कभी भी मांग सकते हैं क्या? नहीं, इसमें भी आप तभी मांग सकते हो जब आप वाइंड अप कर रहे हो। मेंबर्स आर कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब आप वाइंड अप कर रहे हो तभी आप सिर्फ पैसा मांग सकते हो, कंपनी पैसा मांग सकती है। मेंबर्स कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स, मतलब अकेला ए नहीं देगा, डी भी देगा, सी भी देगा, मतलब बाकी के मेंबर्स को भी देना पड़ेगा, सिर्फ आप अकेले से नहीं मांग सकते, जितने बाकी के मेंबर्स है जो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए साइन किया है उन सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन आप मांग सकते हो। क्लियर, बराबर समझ में आया ना? चलो अब इसमें एक दो चीज और समझनी है आपको। हाँ मैंने बताई दिया आपको ये सारी चीजें, कैन कॉन्ट्रीब्यूट ठीक है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, हाँ ये ड्यूरिंग वाइंडिंग अप आपका करना है। ओके क्लियर, तो यहां तक तीनों पॉइंट समझ में आया। तो हमने अभी कौन सा टॉपिक किया है प्लीज समझना, टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने क्या क्या किया है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी ये वाला पोर्शन हो चुका है, ये वाला पोर्शन आपका हो चुका है। क्या चलो बहुत अच्छे, इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ, बहुत अनटाइडी हो गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अभी हम करने वाले हैं एज पर द मेंबर, अभी हम क्या करेंगे एज पर मेंबर करेंगे, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी। ठीक है, अब ओपीसी को इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, रेड पेन है आपके पास, रेड पेन से ना इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि मेरा हिंच कहता है कि हंच एक आ रहा है मुझे अंदर से कि इस बार ये आने वाला है, इस बार आपका ओपीसी आने वाला है श्योर श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम सेक्शन 8 आ चुका था, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन आपका शायद नहीं आया लास्ट क्लास लास्ट टाइम पे, इस बार ये आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड विद दिस टॉपिक विच इज वन पर्सन कंपनी सेक्शन नंबर 62। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, अगर इसको याद करने में दिक्कत आएगी तो हम इसको एक शॉर्टकट भी है मेरे पास जो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले हम समझते हैं कि वन पर्सन कंपनी में क्या क्या फीचर्स है जो आपको याद करने हैं, और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो सब कुछ अच्छे से मेंशन करना है। बहुत सारे फीचर्स है, एक एक करके समझेंगे। ठीक है ना, वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या हो गया, वन पर्सन एक अकेला इंसान, इनकॉर्पोरेटेड, तो ये कंपनी जो होती है वो आपकी इनकॉर्पोरेट होती है बाय अ सिंगल पर्सन, एक इंसान उसको अकेला क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। समझ में आया, वन पर्सन एज अ मेंबर, उसका मेंबर भी कौन होता है, वन पर्सन ही होता है, कौन होता है, एक अकेला इंसान ही होता है। तो यहां पे ठीक है ना, सिंगल पर्सन है
और मेंबर कौन होता है? इसका मेंबर भी सिर्फ वो एक इंसान होता है, वन पर्सन एज अ मेंबर, ठीक है ना। ये दोनों तो समझ में आ गया, बहुत इजी है कि वन मेंबर रहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल रिलेटेड, कि इसमें जो सॉरी इसमें जो कैपिटल है वो क्या होता है? तो उस कैपिटल में ना मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई है क्या? नहीं। इसमें नो लिमिट ऑन अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, मतलब जैसे हर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए, इतना कैपिटल होगा तो ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक वन पर्सन कंपनी में देर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, आपके मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ भी नहीं होती है, देर इज नो लिमिट, नो लिमिट एट ऑल, कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? नो लिमिट ऑन अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, क्लियर। नेक्स्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे ध्यान से सुनो मैं क्या बताने वाली हूं आगे। अब सपोज आपका एक कंपनी है ओपीसी, क्या है ये आपका, यहां पे ओपीसी लिख लो, ये आपका एक ओपीसी एक कंपनी है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है इसमें आपको पता है कि ओनली वन मेंबर इज मेंबर आपका रहता है और वही सिंगल मेंबर सब कुछ करता है, राइट, आपको पता है। अगर सपोज ये मेंबर मर जाएगा तो क्या होगा? इफ दिस मेंबर डाइज तो क्या होगा? तो क्या कंपनी बंद कर दे क्या? नहीं। मैंने क्या कहा, कंपनी का मेन रूल क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी चलती रहेगी भाई साहब, आप मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी मेरी चलती रहेगी। तो क्या करते हैं, ओपीसी क्रिएट करने के टाइम पे मेमोरेंडम बनता है, पता है ना मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कंपनी में कौन कौन मेंबर रहेंगे, कंपनी क्यों, इसमें भी हम नोट्स करेंगे आगे, कंपनी का फॉर्मेशन किस लिए हुआ है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रीजन क्या है टू फॉर्मुलेट, कंपनी का कितना पेड अप कैपिटल रहेगा, ये सारी चीजें उस मेमोरेंडम में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो लॉ क्या कहती है कि ये वन पर्सन कंपनी है, हम रिस्क तो नहीं ले सकते कि एक पर्सन कंपनी के साथ रिस्क नहीं ले सकते, राइट। तो क्या होगा, इसका परपेचुअल सक्सेशन भी लगातार चलते जाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम में हम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे एक नॉमिनी को, हम मेंशन करेंगे। अब ये नॉमिनी ना आपका मेंबर बन जाएगा, न्यू मेंबर बन जाएगा जब ओल्ड मेंबर आपका मर जाएगा। ओल्ड मेंबर जब मर जाएगा तो ये नॉमिनी जिसका नाम हम मेमोरेंडम में लिख के जाएंगे ना, वो क्या बन जाएगा, आपका नया मेंबर बन जाएगा। समझ में आया। दूसरी बात, क्या किसी को भी हम बना सकते हैं क्या, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं क्या? नहीं। आपको नॉमिनी बनाने से पहले आपको इसका कंसेंट चाहिए। जिस इंसान को आप नॉमिनी बना रहे हो उस इंसान का आपको रिटन में कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं नॉमिनी बन जाऊंगा, मैं इस कंपनी का मेंबर बनने को तैयार हूं। समझ में आया ना, उसका आपको रिटन में कंसेंट चाहिए। इस कंसेंट को आपको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करना है, फाइल करवाना है। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? वापस से रिपीट करती हूँ, सुनना ध्यान से, अभी याद हो जाएगा आपको। ओबीसी कंपनी एक सिंगल मेंबर का होता है, सिंगल मेंबर क्या करेगा, अपना मेमोरेंडम में एक नॉमिनी को सिलेक्ट करके जाएगा कि मेरे मरने के बाद ये नॉमिनी इस कंपनी का मेंबर बनेगा, ठीक है ना। उस नॉमिनी से आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते, उसका रिटर्न में कंसेंट आपको लेना पड़ेगा और उस कंसेंट को फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, क्लियर हुआ। तो इसी को मैंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर्स मतलब ओल्ड मेंबर जो है, जो मेंबर है एक्चुअल में, उसका डेथ पे द अदर पर्सन हु शैल बिकम द मेंबर, उसका नाम जो अदर पर्सन है, जो अदर नॉमिनी है, यहाँ पे लिखो नॉमिनी, जो नॉमिनी है उसका नाम हमको क्या करना है, हिज नेम मस्ट बी इंडिकेटेड इन द मेमोरेंडम, उसका नाम हमको मेमोरेंडम में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि वो हमारा नॉमिनी बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं। सच पर्सन मस्ट गिव हिज रिटन कंसेंट, उसको रिटन में कंसेंट देना पड़ेगा टू बी द नॉमिनी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसको लिख के देना पड़ेगा कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं नॉमिनी बनने को रेडी हूं, क्लियर। एंड सच कंसेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप कंपनी को फॉर्मेशन करोगे उसी टाइम पे आपको ये फॉर्म करना है। तो मेरी ये बात समझ में आ गई? तो ये जो पॉइंट है
वो किससे रिलेटेड है, वो नॉमिनी से रिलेटेड है। देखो पॉइंट वाइज कैसे याद करने से क्या रहेगा, पहले तो वन मेंबर का आपको पता है इनकॉर्पोरेट और सिंगल मेंबर, फिर कैपिटल रिलेटेड एक पॉइंट था तो आपको याद रहेगा व्हेन यू राइट, एक था एक मेंबर से, दूसरा पॉइंट है कैपिटल रिलेटेड पॉइंट से, तीसरा है आपका नॉमिनी, नॉमिनी से रिलेटेड पॉइंट। तो नॉमिनी से रिलेटेड पॉइंट में ये पूरा पॉइंट आपको लिखना है, सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब एक और पॉइंट आता है नॉमिनी का, इसमें है कि राइट टू विड्रॉ, क्या नॉमिनी के पास अपना नाम विड्रॉ करने का राइट है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, आपका पास नॉमिनी को राइट देना पड़ेगा कि आप जब चाहो तब अपना नेम विड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो। तो मैम नेम विड्रॉ कर लेंगे तो क्या दूसरा नाम डालना पड़ेगा? ऑफ कोर्स डालना पड़ेगा, दूसरा नाम बिल्कुल डालना पड़ेगा। द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, जो भी इंसान है उसका नाम वो चेंज कर सकता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए उसको सिर्फ एक नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आया एकदम? तो यहां पे क्या लिखोगे, ये क्या है, चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ नॉमिनी, ठीक है ना, उसके लिए ये पॉइंट है। तो हमने अभी तक कौन से पॉइंट पढ़े थे, हमने इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट पढ़ा था, एक मेंबर बनाता है, दूसरा हमने कैपिटल रिलेटेड किया था कि कैपिटल में लोअर लिमिट है, तीसरा हमने नॉमिनी रिलेटेड किया था कि नॉमिनी में आपको नॉमिनी को सिलेक्ट करना है, मेमोरेंडम में मेंशन करना है, नॉमिनी का कंसेंट चाहिए, कंसेंट को फाइल करना है और नॉमिनी के पास विड्रॉ करने का ऑप्शन है। तीनों पॉइंट समझ में आ गया? फिर आप चेंज कर सकते हो नेम को, कर सकते हो ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक नोटिस देना पड़ेगा, बात इट, दैट्स इट, नोटिस टू द कंपनी आप दोगे हो जाएगा, एंड द कंपनी शैल इंटीमेट, अब कंपनी को तो दे दिया नोटिस है ना, कंपनी को तो लिख के दे दिया, लेकिन कंपनी फिर क्या करेगी, उसको रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग करेगी, फिर से फाइलिंग। रजिस्ट्रार कौन हो गया? आप जब अपना एक, जिसके पास भी गूगल है, आई मीन सबके पास गूगल होगा, वहां पे mca.gov.in में जाइए, ये वाला वेबसाइट में जाइए, ये है आपका रजिस्ट्रार, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आ रहा है? ज्यादातर यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइलिंग करना पड़ता है एक तरीके से, देआरए और रजिस्ट्रार, हर हर एरिया का अलग अलग टाइप का होता है। तो ये mca.gov.in इसमें जाओगे तो आपको पता पड़ेगा, आगे आप यही सीखने वाले हो आपके आर्टिकलशिप में, सो डोंट वरी, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख लोगे लेटर ऑन। तो क्या इतना समझ में आया? तो कंपनी क्या करेगी, इंटीमेट करेगी नेम चेंज के बारे में टू द रजिस्ट्रार से। समझ में आया? तो क्या मैम एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने आपको बोला एक चीज, मैंने आपको बोला कि मेमोरेंडम में आपको क्या करना है, नेम मेंशन करना है नॉमिनी का, नेम ऑफ नॉमिनी का मेंशन करना है, लेकिन जब आप इस नॉमिनी का नेम चेंज करोगे और फाइलिंग करोगे तो क्या हम इसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कहेंगे क्या, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कहेंगे क्या? लॉजिकली यस, लॉजिकली तो आपको लग रहा होगा ना, यस मैम मेमोरेंडम भी तो ऑल्टर हो गया क्योंकि मेमोरेंडम में नाम चेंज होगा, लेकिन लॉ कहती है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इज अ वेरी ह्यूज प्रोसेस, ठीक है, वो जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको करवाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा, इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, स्पेशल रेजोल्यूशंस वगैरह चाहिए होते हैं। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि अगर सिर्फ आप नाम चेंज कर रहे हो ना कोई भी नॉमिनी का, तो उसको हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहेंगे। समझ में आ गई? उसको हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहेंगे। तो ये चीज बस ध्यान रख लेना कि एनी नेम चेंज विल नॉट डीम्ड टू बी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे क्या होता है ऑल्टरेशन हम पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं जा सकती उस टॉपिक में बिकॉज इट इज अ लेंथी टॉपिक, तो उसको हम धीरे धीरे एज पर द जैसे जैसे आएगा आपके टॉपिक्स में तब करेंगे। समझ में आया? तो नॉमिनी का अगर आप नाम चेंज करवाते हो तो हम उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहते हैं। क्लियर? तो अभी तक इतनी सारी बातें क्लियर होगी, नेम चेंज का भी हो गया, फिर फाइलिंग करना है, रजिस्टर करना है और मेमोरेंडम को चेंज नहीं कहते, ये चार पॉइंट्स हमने अभी तक करे। आगे क्या करना है, हु कैन बी अ मेंबर, वो जो सिंगल मेंबर है वो कौन बन सकता है, नॉमिनी कौन बन सकता है, कोई क्वालिफिकेशन तो होगा ना, क्वालिफिकेशन तो कौन है, वो एक नेचुरल पर्सन बन सकता है। अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे नेचुरल पर्सन क्यों लिखा, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि पर्सन तो आपका कंपनी भी है ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर सपोज एबीसी कंपनी में ये वन पर्सन कंपनी है, इसके अंदर मैं एक्स वाई जेड को अगर मेंबर बना दूं तो संभालेगा कौन, ऑपरेशंस कौन करेगा, कंट्रोल किसके पास रहेगा, दो कंपनी मिलकर एक दूसरा को कैसे चलाएगी, वी नीड सम वन, नो वी नीड सम ह्यूमन, नो एज अ ऑथराइज्ड पर्सन या एज अ मेंबर।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेचुरल लिखा है, नॉट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अलाउड नहीं है। आप किसी कंपनी को कंपनी का मेंबर नहीं बना सकते इन ओपीसी। ओपीसी में आप किसी कंपनी को कंपनी का मेंबर नहीं बना सकते। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? चलो, तो उसको नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। रेसिडेंट हम उसको बोलते हैं जो इमीडिएटली इन द प्रीवियस ईयर वो एटलीस्ट 182 डेज रहा हो इंडिया में। मतलब कि अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी 2021 चल रहा है। मतलब अगर हम फाइनेंशियली बताएं तो हम बता बोल सकते हैं कि अभी अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक ये ईयर खत्म होगा। अप्रैल से 22 तक अभी आने वाला। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? इसका प्रीवियस ईयर हुआ अप्रैल 20 से लेके मार्च 21। अगर इस साल में अगर वो 182 डेज अगर इस साल में अगर वो 182 डेज रहता है तो ही हम उसको रेसिडेंट कहेंगे, नहीं तो हम उसको रेसिडेंट नहीं कहेंगे और वो आपका ओबीसी नहीं बना सकता। समझ में आया? 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा उसको। क्लियर, समझ क्लियर एकदम? तो इसको मैं रब कर लेती हूँ एक बार। चलो, तो यहां देखो प्लीज। तो नो पर्सन, तो रेसिडेंट क्या है? स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। इमीडिएट प्रीवियस ईयर, ठीक है। नो पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। मतलब कि ए है, ए ने वन ओपीसी क्रिएट किया एबीसी लिमिटेड, फिर इसने एक और ओपीसी क्रिएट किया एक्स वाई जेड, नहीं, नॉट अलाउड। एक इंसान एक ही ओपीसी बना सकता है, ओनली वन। वैसे ही नॉमिनी भी आप एक ही ओपीसी के हो सकते हो, दो के नॉमिनी नहीं हो सकते। इसमें भी बन जाते, इसमें भी बन जाते, क्या पता ये मरे ना मरे। हो सकता ना कि एबीसी में ए मरे या नहीं मरे, क्या पता एक्स वाई जेड का भी नॉमिनी बन जाते, ऐसा अलाउड नहीं है। आपको अगर नॉमिनी बनना है तो आप एक ही कंपनी के नॉमिनी बन सकते हो, दो कंपनी के नॉमिनी आप नहीं बन सकते। क्लियर, कैन नॉट बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन ओबीसी। यहां तक समझ में आया? फिर माइनर का बात आता है। माइनर का बात तो भाई साहब आपको ऑलरेडी पता है, माइनर नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ओनली। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकता, तो क्या वो मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। क्या वो नॉमिनी बन सकता है क्या? नहीं। क्या वो कोई भी बेनिफिट्स होल्ड कर सकता है क्या शेयर का? नहीं। तो अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर, अ नॉमिनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। वो कोई भी चीज होल्ड नहीं कर सकता। समझ में आया ना? ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या होता है? जनरली ये चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा होता है। हम डिटेल में करेंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए समझो कि ओपीसी, कोई भी ओपीसी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8, ठीक है। उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक। उसको आप प्राइवेट एंड पब्लिक में कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सिचुएशंस है, बहुत सारे कंडीशंस है। जैसे कि कुछ कुछ कंडीशंस क्या हो गए कि एक तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, इन्वेस्टमेंट्स का एक्टिविटीज नहीं कर सकता। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज वो नहीं कर सकता सिंगल कंपनी। समझ में आया ना? वापस से रिपीट करिए सुनो। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कि उसको इंडियन होना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा, फिर उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा, माइनर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा माइनर के अलावा? हमने पढ़ा कि उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट कि उसको प्राइवेट एंड पब्लिक में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वो नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इस तरीके का एक्टिविटी वो नहीं कर सकता। समझ में आया ना? ओके, अब एक और चीज। अ कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 8 में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक में हो सकता है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है?
आपने ओपीसी आज स्टार्ट किया, आपको वो ओपीसी 2 साल तक तो रखना ही पड़ेगा, मतलब बिफोर 2 ईयर्स आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट बिफोर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के पहले आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। अगर सपोज कन्वर्ट करना है 2 ईयर्स के पहले, तो उसमें 2 बातें होनी चाहिए। वो 2 बातें क्या क्या है बच्चा, वो 2 बातें है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो मोर देन 50 लाख होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 51 लाख होना पड़ेगा, समझ में आया ना। या तो एनुअल टर्नओवर आपका मोर देन 2 करोड़ होना पड़ेगा, मतलब 2 से ज्यादा 2.1 करोड़ होना पड़ेगा, 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, समझ में आया ना। इसलिए मैंने ये हटा दिया है यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ मोर देन है, ठीक है ना, मोर देन 2 करोड़ रुपीज, क्लियर हुआ। तो प्लीज ये पॉइंट देखो, कंपनी के नॉट वॉलेंटरीली कन्वर्ट इन टू एनी कंपनी अनलेस 2 ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 2 साल तक तो आपको रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक, नॉट सेक्शन 8। सेक्शन 8 में तो फिर भी आप नहीं कर सकते, प्राइवेट एंड पब्लिक में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर 2 साल से पहले करना है तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा, और एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका 2 करोड़ से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना। ओपीसी और एनी अदर ऑफिसर, अगर ये सारे प्रोविजंस जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं, अगर इसमें से कुछ भी कॉन्ट्रावीन होता है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो आप पे फाइन लग सकता है अप टू ₹10,000, मतलब 10,000 तक फाइन लग सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। और 10,000 लगाने के बाद अगर फिर से आपने गलती करी, तो हर दिन पर डे के हिसाब से ₹1,000 चार्ज किया जाएगा, पर डे के हिसाब से एक्सटेंड टू ₹1,000 पर डे इन सच कॉन्ट्रावेंशन, इफ सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। अगर फिर भी आप कंटिन्यू रखते हो तो आपका क्या होगा, पर डे के हिसाब से ₹1,000 क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या आपको ओपीसी याद हो गया। ओपीसी बहुत ईजी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार जल्दी से ओपीसी को रिवाइज करते हैं। तो ओपीसी में हमने क्या क्या पढ़ा था, हम सबसे पहले ओपीसी बनाते हैं। ठीक है, ओपीसी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नंबर वन क्या है कि ओपीसी एक सिंगल मेंबर होता है, सिंगल मेंबर होता है, ठीक है। नंबर टू, नो लिमिट, मिनिमम लिमिट नहीं है पेड अप कैपिटल में। नंबर थ्री क्या पढ़ा था हमने कि इसका क्या होना चाहिए, इसका एक नॉमिनी आपको देना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉमिनी का नेम मेंशन करना पड़ेगा इन द मेमोरेंडम, और फिर कंसेंट लेना पड़ेगा और उसको फाइल करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी का नेम चेंज करवाना है तो चेंज करवा सकते हैं, विड्रॉल का ऑप्शन होना पड़ेगा नॉमिनी के पास। चेंज कराने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को और रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा, राइट। और फिर नेम जो चेंज होगा उसको हम मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे, इतना हमने किया। फिर हमने क्या किया कि एलिजिबिलिटी क्या है, नेचुरल होना पड़ेगा, नेचुरल मेंबर, फिर आपका इंडियन सिटीजन और यहाँ पर रेसिडेंट होना पड़ेगा, रेसिडेंट बनने के लिए मोर देन 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, ये हमने किया। फिर हमने किया कि माइनर आपका न तो नॉमिनी बन सकता है, न तो मेंबर बन सकता है, न तो कोई शेयर होल्ड कर सकता है फॉर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ये हमने किया। फिर हमने क्या किया था कि इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपका 2 साल तक आपने उसको होल्ड किया है तो। और या तो आपका 50 लाख के ऊपर आपका क्या है, पेड अप कैपिटल है, और या तो टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ऊपर है। और एक और चीज हमने किया था कि ये कंपनी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज को नहीं कर सकती, ऐसा काम के लिए आप ये कंपनी को नहीं खोल सकते। देखो पूरा का पूरा आपको याद हो गया ना, इट वॉज वेरी इजी। सो यहीं पे हम एंड करते हैं अभी का क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और भी बहुत सारे टाइप के कंपनीज है जो हमको अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज ऐसे कंपनीज आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम वो सारी चीजें करेंगे। आई होप दिस क्लास वॉज वेरी बेनिफिशियल, आई होप आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और आपको अगर मेरा ये क्लास अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक माई क्लास, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर क्लासेस एंड प्रोवाइड ऑल ऑफ यू विद माय फ्री क्लासेस।
थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय.